नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि PM किसान सम्मान निधि का जो EKYC ऑप्शंस चालू किया गया था, उसमें आपने EKYC किया है और आपको पता ही नहीं है कि आपका EKYC हो गया है या नहीं हुआ है, और वो आप जानना चाहते हैं कि आपका EKYC हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका EKYC हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने यदि EKYC अपना जो मोबाइल से सेल्फ किया होगा आधार OTP से, या फिर आपने किसी कॉमन सर्विस सेंटर में करवाया होगा, उसके बाद यदि आपको पता करना है कि आपका EKYC हो गया है या नहीं हुआ है, इसके लिए आपको किसी भी CSC सेंटर पर फिर से जाना होगा और वहां जाकर आपको आपका KYC करने के लिए देना होगा। और वहां पर वो कैसे पता करेंगे कि आपका EKYC हो गया है या नहीं हुआ है, तो चलिए इसके लिए हम आपको इसमें प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए CSC सेंटर वाले जब आपका जो PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर जाकर आपका EKYC के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करेंगे, ये देखिए हम आपको एक नंबर फिल करके दिखाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा आएगा EKYC इज़ ऑलरेडी डन, मतलब आपका EKYC कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप चेक करवा सकते हैं कि आपका EKYC हुआ है या नहीं हुआ है PM किसान सम्मान निधि में। यदि नहीं हुआ है तो क्या दिखाएगा, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ पर एक दूसरा आधार नंबर लेंगे और उस नंबर से हम आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ इनका EKYC कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम एक नंबर और ले रहे हैं। अब हम इस नंबर को सर्च पर क्लिक करके और सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अभी इनका EKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी नंबर मांग रहा है। गेट OTP पर हम जैसे क्लिक करेंगे एक OTP मोबाइल पर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए आपका डिवाइस ओपन होगा और वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। तो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार से जो EKYC होना था PM किसान सम्मान निधि में, वो आपका EKYC कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद है हमारी ये जो बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जिनका भी आप चेक करना चाहते हैं कि उनका EKYC हुआ है या नहीं हुआ, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर EKYC इज़ ऑलरेडी डन लिखा आएगा, इसका मतलब EKYC हो चुका है। तो उम्मीद है हमारी ये बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।